अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ झटपट सूप, तैयार कर रही हूँ कॉर्न सूप। तो उसके लिए मैंने लिया है, मैं पानी डालूँगी तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी के ऐड कर रही हूँ। और उसमें मैं ऐड करूँगी, मैं ये वाला पैक इस्तेमाल कर रही हूँ कॉर्न सूप का, चिकन कॉर्न सूप। तो इसको मैं ऐड करूँगी, तो मैं ऐड कर रही हूँ और सारा पूरा पैक मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी साथ ही। इसे हम तकरीबन इसके गाढ़े होने तक पकाएंगे और साथ ही मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करूंगी। इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी थोड़ा, अपने जायके के मुताबिक हम ऐड करेंगे सॉल्ट को। इसमें तो सॉल्ट पहले से मौजूद होता है, मगर इसमें आप टेस्ट के मुताबिक आप इसे सॉल्ट को ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लूंगी साथ ही। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, बहुत तेज आंच नहीं करेंगे वरना ये नीचे लग सकता है, और चमचा भी चलाते रहेंगे हम। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मैं 1/4 चम्मच ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी मैं। हम चमचा चलाते रहेंगे। इसकी आंच मैं थोड़ी सी बढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा तेज आंच ही करनी हमने, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने। इसमें आप और कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, मैं इसमें और कॉर्न डालूंगी। इसमें मैं ये कॉर्न्स ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं, ये बॉयल हुए हैं जो मैंने टिन वाले होते हैं वो ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। आपकी मर्जी है कि आप इसमें कॉर्न ऐड एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या नहीं, मैंने कर दिए हैं, मुझे बहुत मजे के लगते हैं तो इस वजह से मैंने ऐड कर दिया है। हम इसका चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इसके उबाल आने तक हम इसे पकाते रहेंगे, उबाल आएगा और गाढ़ापन होगा तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। सूप रेडी जो हो रहा है, इसकी खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है अभी से, इसे पकता रहे अभी। फाइव मिनट में रेडी हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता और बहुत मजेदार सा ये रेडी होता है। देखिए इसमें हल्का हल्का गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है और ये तो सर्दियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है सूप, तो आप लोग जरूर ट्राई करें, जरूर बनाइएगा। और ये नज़ले में जो लोगों का गला बहुत ख़राब हो रहा है, आजकल मौसम ऐसा है गला ख़राब है, नज़ले में बहुत फ़ायदा देता है ये सूप, तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। देखें उबाल आ चुका है इसमें, गाढ़ा भी हो रहे हैं। अब इसकी आंच मैंने थोड़ी हल्की की है, अब इसमें मैं साथ ही डालूंगी, इसमें मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें मैं 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालूंगी, इसे मैं मिक्स कर लूंगी। अपने टेस्ट के मुताबिक आप सोया सॉस सिरका ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए बस ये रेडी है, मैं 2 मिनट इसके साथ और पकाऊंगी और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये
ये हमने बाउल में निकाल लिए हैं, तो इसमें मैं डालूंगी अब डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें डालूंगी ये अंडा। अंडा मैंने बॉईल किया है, अब मैं इसे हाफ कट करके इसमें मैं थोड़ा थोड़ा अंडा भी डाल दूंगी। बॉईल अंडा इसमें बहुत जबरदस्त लगता है, बहुत मजेदार लगता है, ये ताकतवर होता है, जरूर आप ट्राई करेगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी, इसे हम ऐड करेंगे। अगर आप लोग डालना चाहें तो जरूर डालें, और स्किप करना चाहें आप स्किप भी कर सकते हैं, और ये ग्रीन चटनी के साथ बहुत मजेदार लगता है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर से बहुत ही थोड़ा सा सिरका ऐड कर रही हूँ, हल्का सा मैं इस पे डालूंगी सोया सॉस, इसमें मैं चिल्ली सॉस भी ऐड करूंगी थोड़ा सा, टेस्ट के मुताबिक आप अपने ऐड कर सकते हैं। ये हमारा मजेदार सा ये सूप तैयार है, कॉर्न सूप रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी आज की रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।